आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पितृ पक्ष के पुण्यदायक अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का कथा महत्तम श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पितृ पूर्वजों को परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, वे पूर्वजों को परम धाम मिलता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तुम गीता के 10वें अध्याय के महत्तम की परम कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवर्ती मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में लगा रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तो मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा कि हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते हुए चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदांतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में मेरी स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य,
आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपकी चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी सदा ही जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन स्वरूप धारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्त्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कोई का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहां आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हे हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ पांच कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली, हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत्य के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, हे पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन
प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर दशम अध्याय के महत्तम से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी, उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं को ही यह कमलनी का रूप धारण करवा लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं पांच कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, हे पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योगा अध्याय के महत्तम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब गीता के 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे मदिरा पान करने वाला या फिर ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए गीता के 10वें अध्याय के महत्तम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंगी रेटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। भगवान कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार मैंने भृंगरिटि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, गीता के इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधु, भगवान श्री हरि वे आपके पितृ पूर्वजों की कृपा, आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।